Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum I hope you all are fine and staying safe and happy I am your GK teacher Ms Farheen and I welcome you all to your GK class My dear students as you know that we are on unit number 13 of your remedy pack and the name of our unit is Things around us The week is week number 6 and we are on SLO number 11 So what is SLO number 11 according to SLO number 11 the students will be able to identify the measures for better care of domestic wild एनिमल्स एंड प्लाट्स सो माई डियर स्टूडेंट्स बच्चे जो है इस एस एल ओ को पढ़ने के बाद बच्चे आ, को ये पता चलना चाहिए और इस एस एल ओ को पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि बच्चे जो हैं वो जानवरों की और पौधों की केयर करना सीखें जैसे कि नए पौधे लगाएं दरख्तों को नहीं काटना फूलों को नहीं तोड़ना इसके अलावा जानवरों के साथ मेहरबानी से और शफकत से पेश, आ, पेश आना है उनको फीड करना है खाना देना है पौधों को पानी देना है तो इस तरह की तमाम बातों के ऊपर बच्चे जो है वो अमल कर सकेंगे और बच्चों को वो पता चलेंगे सो पेरेंट्स जो हैं वो इस एस को बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनके अंदर मेहरबानी और शफकत का जो अमल है वो पैदा हो Uh, बच्चों अब आपने क्या करना है पेरेंट्स और बच्चों को कहें कि वो इस एस को ग़ौर से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको अपनी जी के वन या साइंस वन की बुक में ढूंढें कि ये कौन से पेज नंबर पर दिया गया है और फिर uh, पेज नंबर जो है वो यहाँ इस ब्लैंक में नोट डाउन करें आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट्स We'll बच्चे स्कैन करेंगे वीडियो जो अटैच की गई है उसको गौर से देखेंगे तभी जो है बच्चे इस काबिल होंगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनको कंप्लीट कर सकेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स आपने अपने काम को बहुत टाइम से कम्प्लीट uh, करना है नीट एंड क्लीन तरीके से कम्प्लीट करना है एंड कीपर बी सेव टे थैंक यू सो मच